साबका सेक्रेटरी बड़ा रियासती मेडलाइन अल्बर्ट के वालिद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में अकवाम मुत्तहिदा के कमीशन के मेंबर और कश्मीर में किताब खतरे के मुसन्निफ भी थे। ऑप्शन जो है इसका उनका नाम क्या था? जोसफन कॉर्बल। ऑप्शन बी है इसका। नेक्स्ट 22 एमसीक्यूज है। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद तलीम के जरिए थे, उनकी तलीम एजुकेशन क्या थी? एमसीक्यूज ऑप्शन जो है वो डी है, मेडिकल डॉक्टर थे वो। नेक्स्ट 3 एमसीक्यूज है कि इल्मी साइंस का मुताला है, एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये मुताला है नॉलेज का। नेक्स्ट 4 एमसीक्यूज है, इराक में 1958 की बगावत का कायद कौन था जिसकी वजह से इराक जमहूरिया के तौर पर ऐलान हुआ? 4 एमसीक्यूज ऑप्शन सी है, अब्दुल करीम कासिम। नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज है मजीद। दोस्तों इंग्लिश में बोला इसलिए ताकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, अगर आपके पास इस तरह की वीडियोस मौजूद होंगी आप एक मरतबा इसको ट्रांसलेशन मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग फोकस करें, इसके बाद में जो है आप बुक से पढ़ लें। इंशाल्लाह ताला आपको 15 एमसीक्यूज बिल्कुल 10 मिनट के अंदर अंदर आपको याद हो जाएंगे। 5 एमसीक्यूज है, मेजर शबीर शरीफ को बाद अजान निशान हैदर से नवाजा गया, आर्मी में अपने कैरियर के दौरान बहादुरी का कौन सा दूसरा तमगा दिया गया था? 5 एमसीक्यूज ऑप्शन डी है, सितारा जरूरत। नेक्स्ट 6 एमसीक्यूज है, विच इंडिया पर्सनैलिटी सर्वड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली इन 1953-54, किस हिंदुस्तान शख्सियत ने 1953-54 में अकवाम मुत्तहिदा के सदर की हैसियत से खुदमात अंजाम दी? 6 एमसीक्यूज ऑप्शन डी है, विजावाली कश्मी पंडित। नेक्स्ट 7 एमसीक्यूज है, अकवाम मुत्तहिदा के जिस निज़ाम में अकवाम मुत्तहिदा के तमाम मेंबर ममालक की नुमाइंदगी की जाती है? 7 एमसीक्यूज ऑप्शन बी है, जनरल असेंबली। नेक्स्ट एमसीक्यू 8 है, असदुल्ला बख्श पाकिस्तान का मशहूर जमाना था, असदुल्ला बख्श वाज़ द फेमस ऑफ पाकिस्तान। 8 एमसीक्यूज ऑप्शन डी है, पेंटर ऑफ पाकिस्तान का पेंटर था। नेक्स्ट 9 एमसीक्यूज है, वजीर आजम के मशीर बड़ाए खारजा अमूर सरताज अजीज ने तरक्याती माशियात में मास्टर डिग्री हासिल की? 9 एमसीक्यूज ऑप्शन बी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज, जनरल असम्बली से अपने खिताब के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ ने एल ओ सी के साथ जंग बंदी से मतलब 4 इकदाम पर अमल दरामद शुरू करते हुए भारत के साथ एक नया अमन बाजाबता तौर पर तजवीज़ किया? ऑप्शन सी है, विथड्रॉल ऑफ फोर्सेज फ्रॉम सियाचिन। नेक्स्ट 11 एमसीक्यूज है, इकवान मुतहिदा के माहौलियाती तब्दीली से मतलब फाइन वर्क कन्वेंशन को रियो डी जनेरो 1992 में होने वाले अर्थ सिमट के दौरान अपनाया गया था, ये कब अमल में आया? 11 एमसीक्यूज ऑप्शन ए आएगा, मार्च 1994 में। नेक्स्ट 12 एमसीक्यूज है, ये की संत में सबसे बड़े नाम में से एक जो डी बियर्स कंसोलिडेटेड माइनिंग कंपनी का बानी था? 12 एमसीक्यूज ऑप्शन ए है, जोहन सेसिल रोड्स। नेक्स्ट 13 एमसीक्यूज है, हु वाज़ द फर्स्ट यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, गैर इंसानी हकूक के लिए पहला गैर हाई कमिश्नर कौन था? ये ऑप्शन सी है, मास्टरिस्ट ट्रिटी। नेक्स्ट 15 एमसीक्यूज है, किंग अब्दुल अजीज इब्ने सऊद नेम्ड द किंगडम ऑफ हिजाज एंड नाज्ड एज सऊदी अरेबिया इन, यानी कि यूरोपीय यूनियन 1992 का मुआहदा 1992 के नाम से भी जाना जाता है। ये 14 एमसीक्यूज था, ये इसका दो जाना जाता है, ऑप्शन सी है, मास्टरिस्ट ट्रिटी। सॉरी 13 एमसीक्यूज जो था वो ये था, हु इज द फर्स्ट यूएन कमिश्नर हो गया था। नेक्स्ट 15 एमसीक्यूज है, किंग अब्दुल अजीज इब्ने सऊदी नेम्ड द किंगडम ऑफ हिजाज एंड नाज एज सऊदी अरेबिया इन, कर शाह अब्दुल अजीज इब्ने सऊदी ने हिजाज की सल्तनत का नाम और नजद को सऊदी अरेबिया का नाम दिया? 15 एमसीक्यूज ऑप्शन सी है, इन्होंने नाम दिया सऊदी अरेबिया का 1932 में। नेक्स्ट अफ्रीकी यूनियन का हेडक्वार्टर वाकई है, ये वाकई है एडिस अबाबा में, आपने देखना AU स्टैंड फॉर ऑब्जर्वेशन, अफ्रीका यूनियन का जो है हेडक्वार्टर ये एडिस अबाबा में वाकई है। नेक्स्ट 17 एमसीक्यूज है, हिंदुस्तानी नोबल इनाम जीतने वालों में से कौन सा इक्तिसादियात से वाबस्ता है?
17 एमसीक्यूज ऑप्शन बी है अमर्त्य या सेन। नेक्स्ट 18 एमसीक्यूज, जमीन अपने महूर के गिर्द एक गर्दिश मुकम्मल करने में लग जाती है, ये 24 घंटे में अपना गर्दिश मुकम्मल करती है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 19 एमसीक्यूज है, जब गैस माया में तब्दील हो जाते हैं तो इस अमल को कहते हैं, इस अमल को हम कहते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज है, यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग इन अ ब्रेड इज अ, रोटी बनाने में इस्तेमाल शुदा खमीर एक है, ये एक फंगस है। नेक्स्ट 21 एमसीक्यूज है, बीमारी जो डिफ्थेरिया की बीमारी है इंसानी जिस्म में असर अंदाज करती है, ये ऑप्शन सी है, थ्रोट फैक्ट, थ्रोट में इंसानी थ्रोट में जो है वो फैक्ट असर अंदाज करती है। नेक्स्ट 22 एमसीक्यूज है, व्हेन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट रिपीटेड, मस्ट रीड, पहला नोबेल इनाम कब दिया गया, 1901 में, 1901 में पहला नोबेल प्राइज इनाम दिया गया, याद रखना आप लोगों ने। 23 एमसीक्यूज है, मुतहिदा कौन मुतहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत अपने मेंबरों के दरमियान हर एक को हरूफ तहजी के मुताबिक घूमती है, 23 एमसीक्यूज ऑप्शन जो है वो डी है, वन मंथ। नेक्स्ट 24 एमसीक्यूज है, यूनेस्को जो तलीम साइंस और सकाफत से मुतलक है, इसका सदर दफ्तर है, इसका सदर दफ्तर जो है वो पेरिस में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज है, अमल के लिए बेजिंग अलामिया और प्लेटफॉर्म 1992 के साथ मुआहदा करता है, 25 एमसीक्यूज ऑप्शन बी है, राइट एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। नेक्स्ट 26 एमसीक्यूज है, दोस्तों लाजमी अगर आप इसको लाजमी अगर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो है जहाँ जहाँ छोटे छोटे आ जाती है इंग्लिश तो वहाँ मैं पढ़ दिया करूँगा। 26 एमसीक्यूज है, हु इज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलर अथॉरिटी, ये जो है ऑब्जर्वियन आगे दिया हुआ, पी ई एम आर ए, ऑब्जर्वियन या स्टैंड फॉर भी कह सकते हैं, हम पूछ सकते हैं आप लोगों से, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी के चेयरमैन कौन है, 26 एमसीक्यूज ऑप्शन ए है, एब्सार अलाम। नेक्स्ट 27 एमसीक्यूज है, पाकिस्तान की शर्मीन अबीद चुनोई ने बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता, ऑस्कर अवार्ड जीता, फिल्म का नाम टाइटल नाम तो बतलाएं, टाइटल बतलाएं कौन क्या था उनका टाइटल, ये सेविंग फेस टाइटल था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 28 एमसीक्यूज है, लाहौर में चौबड़ जी मुगल दौर से तल्लुक रखने वाली मशहूर यादगारों में से एक है, ये मुबीना तौर पर शहजादी ज़ैबुन्निसा के लिए बने खूबसूरत बाग के गेटवे के तौर पर तमीर किया गया था, वो मुगल बादशाह की एक काबिल बेटी थी, ऑप्शन जो है वो डी है, औरंगजेब, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, इसके रिलेटेड औरंगजेब के मोस्ट इंपोर्टेंट जो है एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट 29 एमसीक्यूज है, स्टैंड अकेले कंप्यूटर के लिए इनमें से कौन सा जरूरी नहीं है, 29 एमसीक्यूज ऑप्शन डी है, लैन कार्ड। नेक्स्ट 30 एमसीक्यूज है, एलईडी टेक्नोलॉजी इज एनर्जी एफिशिएंट, व्हाट डज एलईडी स्टैंड फॉर, एलईडी टेक्नोलॉजी का बनाने की बचत है, अब स्टैंड फॉर का मुखफ्फ क्या है, मतलब क्या है, इसका मतलब जो है दोस्तों ये है कि लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट 31 एमसीक्यूज है, मदरसा जी में से कौन सा अजीब है, इनमें से निकालने, 31 एमसीक्यूज जो है ऑप्शन डी है, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट 32 एमसीक्यूज, व्हाट वाज द कोड नेम गिवन टू यूनाइटेड स्टेट नेवी सेल्स ऑपरेटिंग ऑपरेशन लीडिंग टू एलिमिनेशन ऑफ असामा बिन लादेन इन अबोटाबाद, कहने के अबोटाबाद में असामा बिन लादेन के खात्मे, असामा बिन लादेन के खात्मे के लिए मुत्तहिदा रियासतों के बहरी सेल ऑपरेशन के सिलसिले में कोड नाम क्या था उनका, जो था ऑप्शन बी है, नेपच्यून स्पेयर। नेक्स्ट 33 एमसीक्यूज है, दरअसल तदरीस की साइंस है, पेडागोगी इज द साइंस ऑफ, 33 एमसीक्यूज ऑप्शन डी है, टीचिंग। नेक्स्ट 34 एमसीक्यूज है, आलमी इक्तिसादी फोरम जो डेविस स्विट्जरलैंड में अपना सालाना इजलास मुनक़िद करता है की बुनियाद रखी गई थी, इसकी बुनियाद रखी गई थी स्टावा क्लास में, ये ऑप्शन जो है वो सी आएगा। नेक्स्ट 35 एमसीक्यूज है, स्विट्जरलैंड में खवातीन को वोट का हक कब दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, रिपीटेड हो रहा है ये भी, ये हक दिया गया था 1971 में। नेक्स्ट 36 एमसीक्यूज है, पैसा का झुकाव वाला टावर किस मुल्क में वाकया है, ये वाकया है इटली में। नेक्स्ट 37 है, आप एशिया से पहले इक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल थे, वो किस मुल्क से ताल्लुक रखता था, कह रहा आप एशिया से पहले इक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल थे, वो किस मुल्क से ताल्लुक रखता था, ये रखता था बर्मा से। नेक्स्ट 38 एमसीक्यूज है, हिंदुस्तान के जरिए पालघर डैम किस नदी पर तमीर किया जा रहा है, ये चिनाब
और जो है तमीर किया जा रहा है। नेक्स्ट 39 एमसीक्यू है, एक एकड़ में कितने एकड़ होते हैं? इसमें 2.47 एकड़ होते हैं, वन एकड़ में एकड़। नेक्स्ट 40 एमसीक्यू है, वो माय आत वो लिक्विड जो तेजी से बुखारात में मुब्तला हो जाते हैं, इन्हें इन एक लिक्विड के नाम से जाना जाता है। 40 एमसीक्यूज ऑप्शन जो है वो सी है, वोलेटाइल। नेक्स्ट 41 एमसीक्यूज है, अगर कोई जहाज किसी समुद्र या समुद्र में मीठा पानी बताता है तो ये हो जाएगा 41 एमसीक्यूज ऑप्शन ए है, राइज अ लिटिल हायर। इफ अ शिप ट्रेवल्स फ्रॉम फ्रेश वाटर टू अ सी और सीन इट विल। नेक्स्ट 42 एमसीक्यूज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स और या वेजिटेबल्स इज अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। मजेदार जिनमें से कौन सा फल या सब्जी पोटेशियम का अच्छा जरिया है? ये स्पिनेच। नेक्स्ट 43 एमसीक्यूज है, ब्लीचिंग पाउडर की का कीमियाई नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? 43 एमसीक्यूज ऑप्शन ए है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट 44 एमसीक्यूज है, मद्रास झील ममालिक में से किसने 1917 में फलस्तीन आजादी तंजीम को मुल्क से खारिज कर दिया? 44 एमसीक्यूज ऑप्शन जो है वो डी है, जॉर्डन। नेक्स्ट 45 एमसीक्यूज है, जिस अदाकार ने जमील दहलवी की हदायतकारी में बनने वाली फीचर फिल्म जना में कायदे आज़म मोहम्मद अली जना का किरदार अदा किया था? 45 एमसीक्यूज ऑप्शन जो है वो सी है, क्रिस्टोफर ली। नेक्स्ट 46 एमसीक्यूज है, ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म स्लिम डॉग करोड़पति किताब क्यू पर मबनी है और इसकी तहरीर करता रिटन बाय किसने लिखी है? 46 एमसीक्यूज ऑप्शन सी है, विकास स्वरूप ने लिखी है। नेक्स्ट 47 एमसीक्यूज है, मशहूर पाकिस्तानी अदाकार संतोष कुमार का असल नाम क्या था? उनका असल नाम था सैयद मुसा रजा। नेक्स्ट 48 एमसीक्यूज है, झील ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सा गर्मी का सबसे बड़ा असर है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी का बहुत बड़ा असर करता है। नेक्स्ट 49 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज द 49 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 वाज हेल्ड इन पेरिस, देयर वाज COP20 हेल्ड। कह रहे पेरिस में मौसमियाती तब्दील कॉन्फ्रेंस का 21 हुआ COP, और जहां पुलिस जो थी वो ये कहां पर वाक़ है, देयर वाज COP2 हेल्ड कहां पर जो है वो मुनकिद हो गई थी। 49 एमसीक्यूज ऑप्शन जो है वो ए है, लीमा में। नेक्स्ट लीमा देयर वाज हेल्ड पाई गई है, लीमा में पाई गई। नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इन एंडेमिक टू पाकिस्तान, मदरजी में से कौन सी नस्ल पाकिस्तान के लिए मुकामी है? इंडस रिवर डॉल्फिन्स। लेट्स स्टार्ट, दुनिया में कौन सा जानवर गैर कानूनी तौर पर नमल फरोश है? विच एनिमल इज मोस्ट इलीगल ट्रेडेड एनिमल इन द वर्ल्ड, ऑप्शन सी है यहाँ पे, पेंगोलिन। नेक्स्ट 52 एमसीक्यूज, मिस्टर और मिसेस सजाद के साथ बेटियां हैं, हर बेटी का एक भाई है, कितने फर्द बंदे हैं टोटल? मिस्टर एंड मिसेस साजिद हैव 7 डॉटर्स, ईच डॉटर हैज 1 ब्रदर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन द फैमिली? 52 एमसीक्यूज ऑप्शन बी आएगा, 10। नेक्स्ट 53 एमसीक्यूज है, अगर 5 कारें बम्पर खड़ी कर दें तो कितने बम्पर एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं? ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे, 4। नेक्स्ट 54 एमसीक्यूज है, अगर आसिफ इस तरह कतार में खड़ा है कि वो दोनों तरफ से कतार में 6 नंबर पर है तो आप अंदाजा लगा कितने लोग मौजूद होंगे, तो कतार में कितने लोग मौजूद होंगे? इफ आसिफ इज स्टैंडिंग इज द क्यू इन सच अ वे दैट इज दैट ही इज 6th इन द क्यू फ्रॉम आइदर साइड, देन हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द क्यू? यहां पर ऑप्शन बी आएगा, 11। नेक्स्ट 55 एमसीक्यूज है, मार्च 2015 में मुत्तहिदा अक़वाम ने पाकिस्तान के बराज़िम सेल्फ को 200 से 350 समुद्र मील तक बढ़ाने का फैसला किया, जब पाकिस्तान ने अपने बराज़िम सेल्फ की हदें बढ़ाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को दरख्वास्त पेश की। ये दरख्वास्त पेश की गई थी अप्रैल 2009 को। नेक्स्ट 56 एमसीक्यूज है, पाकिस्तान के आइन में 21वीं तरमीम की दफ़ात एक मुद्दत तक नाफ़िज़ुल अमल रहेंगी, द प्रोविजंस ऑफ द 21st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान शैल रिमेन इन फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 56 एमसीक्यूज ऑप्शन बी आएगा, 2 ईयर्स। नेक्स्ट 57 एमसीक्यूज है, हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा कौन है? वज़ीर ख़ारजा ऑप्शन ए आएगा, नवाज शरीफ। नेक्स्ट 58 एमसीक्यूज है, पाकिस्तान का मौजूदा ऑडिटर जनरल है, द करंट एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज कौन है? 58 एमसीक्यूज ऑप्शन सी आएगा, राणा असद अमीन। नेक्स्ट 59 एमसीक्यूज है, रेशमा पाकिस्तान की एक बाजमात लोक गुरुकार थी, लाहौर में वो कैंसर की वजह से वो
वफात पा गई, तब पा गई थी, ये नवंबर 2013 में वफात पा गई थी। नेक्स्ट 60 एमसीक्यूज़ का मशहूर टीवी ड्रामा वारिस ने लिखा था। फेमस टीवी ड्रामा वारिस वाज रिटन बाय 60 एमसीक्यूज़। ऑप्शन सी है अमजद इस्लाम अमजद। नेक्स्ट 61 एमसीक्यूज़ है द एशिया के पांचवें दिल इस्तनबुल अमल वजारती इजलास 8-9 दिसंबर 2015 को इस्लामाबाद में हुआ। चौथा इजलास कहाँ हुआ था? द 50 हाइट ऑफ एशियन इस्तनबुल प्रोसेस मिनिस्ट्रियल मीटिंग वाज हेल्ड इन इस्लामाबाद ऑन 8-9 दिसंबर 2015। वेयर वाज द फोर्थ मीटिंग हेल्ड इन 61 एमसीक्यूज़। ऑप्शन जो है दोस्त 61 का दोस्तों आई डोंट नो अबाउट दैट, अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आई थिंक इस्तनबुल आएगा या कोई और आएगा। नेक्स्ट 62 एमसीक्यूज़ है मुहतरम शमसा स्वराज से कबल हिंदुस्तान की वज़ीर ख़ारजा कौन थी? हु वाज़ द इंडियाज़ फॉरेन मिनिस्टर प्रियर टू मिसिज सुषमा स्वराज। 62 एमसीक्यूज़ ऑप्शन डी है सलमान खुर्शीद। नेक्स्ट 63 एमसीक्यूज़ है साबिक वज़ीर ख़ारजा गोहर अयूब खान ने फौज छोड़ने पर इनका क्या दर्जा था? वो पहले क्या करते थे? व्हाट वाज द रैंक ऑफ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर गोहर अयूब खान व्हेन ही लेफ्ट द आर्मी? 63 एमसीक्यूज़ ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आर्नोल्ड राफेल थे वो। नेक्स्ट 64 एमसीक्यूज़ ऑप्शन जो है वो एआई का कैप्टन थे। नेक्स्ट 64 एमसीक्यूज़ हु वाज द अमेरिकन एम्बेसडर हु डाइड अलोंग विद प्रेसिडेंट ज़ियाउल्लाह इन अ प्लेन क्रैश इन 1988। वो कह रहे कि अमेरिका सफर कर रहे थे 1918 में हवाई जहाज के हादसे में सदर ज़ियाउल्लाह के साथ हमारा और भी एक शख्स था, वो कौन था जो हलाक हुआ था? 64 एमसीक्यूज़ ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे आर्नोल्ड राफेल। नेक्स्ट 65 एमसीक्यूज़ हाल ही में एक मरूफ सियासतदान सलाहुद्दीन कादर चौधरी को बांग्लादेश में फांसी दे दी गई। चार बांग्लादेश अलैदगी से कबल इनके वालिद फैजुल कादर चौधरी जो थे फैजुल चौधरी ने पाकिस्तान में एक अहम अहदे पर काम किया था। उनका नाम बतलाएं बड़ा करम उस मनसब का नाम दें। ये ऑप्शन सी आएगा यहाँ पर मिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट 66 एमसीक्यूज़ है कामरान बरादरी कदीम मुगल यादगारों में से एक है। ये एक लाहौर में वाकया है जो बिल्कुल कामरान था। 66 एमसीक्यूज़ ऑप्शन बी आएगा सन ऑफ बाबर स्टेप ब्रदर ऑफ ह्यूमियन। नेक्स्ट दोस्तों इंग्लिश आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के पास बुक पढ़ी होगी। नेक्स्ट क्योंकि वीडियो लंबी जो है होने का खदशा होता है कि यार ज़्यादा बिग ना हो जाए, ज़्यादा लार्ज ना हो जाए वीडियो, ताकि आप लोग जो है परेशानी बन सके आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने चाहता आप लोग परेशानी में मुबतला हों। 67 एमसीक्यूज़ है महाराजा के सबसे छोटे बेटे रणजीत सिंह को तकरीबन 5 साल की उम्र में महाराजा की हैसियत से आला दर्जा दिया गया था, उसका नाम क्या था? यंगेस्ट सन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह वाज एलिवेटेड एज महाराजा एट अ टेंडर एज ऑफ अबाउट 5 years। व्हाट वाज हिज नेम? 67 एमसीक्यूज़ ऑप्शन जो है वो सी आएगा दुलीप सिंह। नेक्स्ट 68 एमसीक्यूज़ खुदादाद खान बरतानवी फौज में पहला जनूबी एशियन फौजी था जिसने पहली आलमी जंग के दौरान विक्टोरिया क्रॉस बहादुरी के लिए आला फौजी अवार्ड हासिल किया था। वो किस मुल्क में लड़ रहा था जहां उसने बहादुरी का मुजाहरा किया जिसने उसे विक्टोरिया अवार्ड हासिल किया? 68 एमसीक्यूज़ ऑप्शन जो है वो सी आएगा बेल्जियम। नेक्स्ट बेल्जियम के भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। नेक्स्ट 69 है ड्यूसाई कौमी पार्क काबिले जिक्र है क्योंकि ये दुनिया का बुलंद तरीन सतह मरतफा में से एक है जिसकी औसत बुलंद तकरीबन 4114 मीटर है। ये पाकिस्तान के किस खिते में है? 69 एमसीक्यूज़ ऑप्शन जो है वो बी है गिलगित बल्तिस्तान। नेक्स्ट 70 एमसीक्यूज़ है जीटी रोड पाकिस्तान की एक अहम शाहरा है, क्या जीटी का स्टैंड फॉर मुखफ क्या है? जीटी रोड इज़ वन ऑफ द मेन हाईवेज ऑफ पाकिस्तान। व्हाट डज जीटी स्टैंड फॉर? 70 एमसीक्यूज़ ऑप्शन बी आएगा ग्रैंड ट्रंक। नेक्स्ट 71 एमसीक्यूज़ हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आर देयर इन पंजाब? पंजाब में कितने इंतजामी डिवीजन है? 71 एमसीक्यूज़ ऑप्शन डी आएगा 9। नेक्स्ट 72 एमसीक्यूज़ पंजाब की कौन सा जो है मदरसा जिला इस्लाम में आबादी की साफत सबसे कम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी
सबसे कम पंजाब में किस जिला की है? जिला की है 72 एमसीक्यू, ऑप्शन सी है रजनपुर। नेक्स्ट 73 एमसीक्यू है लाल सहरान कौमी पार्क करीब ही एक में वाक़ है लाल सुहानरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड नियर। 73 एमसीक्यू ऑप्शन जो है वो बी है भावलपुर। नेक्स्ट 74 एमसीक्यू हंगूल नेशनल पार्क, हिंगोल नेशनल पार्क जिला मकरान बलोचिस्तान में वाक़ है, इसकी वजह से है, किसकी वजह से है, इज अ फेमस फॉर इट्स हिंगोल नेशनल पार्क लोकेटेड इन मकरान डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान इज फेमस फॉर इट्स। 74 एमसीक्यूज आएगा ऑप्शन सी आएगा मड वॉल्केनीज। नेक्स्ट 75 एमसीक्यूज है फॉकलैंड इज़लैंड्स और द मलविनेस इज़लैंड्स आर डिस्प्यूटेड बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम। कहने के फॉकलैंड जजीरे या मलवियन मलवीना जज़ायर मुतहदा रियासत के माबैन मुतनाज़िया हैं। 75 एमसीक्यूज ऑप्शन है वो सी है अर्जेंटीना। नेक्स्ट 76 एमसीक्यूज है ग्रास लैंड प्लेन्स लोकेटेड इन अर्जेंटीना आर कॉल्ड। अर्जेंटीना में वाकया घास की घास के मैदानी इलाके को कहा जाता है। 76 एमसीक्यूज ऑप्शन जो है वो डी आएगा कैंपस। नेक्स्ट 77 एमसीक्यूज है अबनाए जिब्राल्टर बहर कियानूस को बहर कियानूस के साथ जोड़ता है। 77 एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मेडिटेरेनियन सी सी एमसीक्यूज है। नेक्स्ट 78 एमसीक्यूज ताजमहल दरिया के किनारे वाक़ है, ताजमहल इज लोकेटेड द बैंक ऑफ रिवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 78 ये जमुना मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है 78 रिपीटेड टू अ मस्ट रीड। नेक्स्ट 79 एमसीक्यू है कोसोवो की कैपिटल है द कैपिटल ऑफ कोसोवो इज 79 एमसीक्यू ऑप्शन है वो बी है प्रिस्टीना। नेक्स्ट 80 एमसीक्यू है यूएन बोल्ट 100 मीटर रेस के लिए आलमी रिकॉर्ड रखता है वो किस मुल्क से ताल्लुक रखता है? बोल्ट यूसेन बोल्ट होल्डर्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर 100 मीटर्स रेस टू विच कंट्री डज ही बिलोंग टू। 80 एमसीक्यू ऑप्शन जो है वो बी है जमैका। नेक्स्ट 81 एमसीक्यू है डिट्रॉयट रियासत हाय मुतहिदा सनद से वाबस्ता है। 81 एमसीक्यू ऑप्शन ए है ऑटोमोबाइल से वाबस्ता है। नेक्स्ट 82 एमसीक्यू था फैज अहमद फैज ने 1962 में लीनन अमन इनाम से नवाजा गया था। अब्दुल सत्तार एधी ने लीनन अमन इनाम किस साल हासिल किया? 82 एमसीक्यू ऑप्शन जो है वो ए है 1988 में लीनन ने जो है वो प्राइस इनाम हासिल किया। नेक्स्ट 83 एमसीक्यू है वेटिकन शहर में सिस्टन शैपल की छत पर आलमी सतह पर मशहूर पेंटिंग्स किसने जो है वो की? 83 एमसीक्यू ऑप्शन जो है वो सी आएगा मिचेल लैंगेलो। नेक्स्ट 84 एमसीक्यूज है हिंदुस्तानी वजीर खारजा शमशा सुराज के इस्लामाबाद के दौरे के दौरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मबैन जामिया मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक किया था जिस साल में दोनों ममालक पहले जामिया बातचीत की शक्ल में बाकायदा साख्ती मुकालमा करने पर इत्तफाक करते थे? 84 एमसीक्यूज ऑप्शन जो है वो बी है 1997 के डायलॉग। नेक्स्ट 85 है सॉरी जिसने हक कहा वो एक मुनासिब दावा है जिसे माशरे ने तस्लीम किया और रियासत के जरिए नाफज किया? 85 एमसीक्यूज ऑप्शन जो है वो बी है सैमुअल हंटिंगटन। नेक्स्ट 87 एमसीक्यूज है सॉरी 86 और नेक्स्ट 87 है दोस्तों the zero sum game as empowered by the support of game theory assumes that 85 जो था सॉरी दोस्तों आई थिंक मैं भूल गया 85 जो था वो था ये कि जिसने हक कहा वो एक मुनासिब दावा है माशरे ने तस्लीम किया और रियासत के जरिए नाफज किया ये ऑप्शन बी आएगा वो साउंड क्यूट। नेक्स्ट 86 एमसीक्यू मतलब जिन में से कौन ये इस्तदलाल करता है कि तहजीब की गलती की लकीरें सदी ईस्वी तनाजात की नस्ल कशी की बुनियाद हैं? 86 एमसीक्यू ऑप्शन जो है वो बी आएगा सैमुअल हंटिंगटन। नेक्स्ट 87 एमसीक्यू द गेम थ्योरी की जमायत के जरिए मुलाजमत में सफर के हिसाब से ये फर्ज किया जाता है? 87 एमसीक्यू ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट 88 एमसीक्यू है हर्बर्ट साइमन ने बर्तरी की मर्जी को
कबूल करने के लिए माह तहत अफराद के चार बुनियादी महरकात की निशानदेही की, इनमें से कौन सा एक नहीं है। 88 MCQs ऑप्शन बी है सोशल डिसअप्रूवल। नेक्स्ट 89 MCQs है मसलू की जरूरियात का दर्जा बंदी का नजरिया मतलब है। 89 MCQs ऑप्शन ए है मोटिवेशन। नेक्स्ट 90 MCQs है जिसने कहा कि इंसान फितरी तौर पर एक सियासी जानवर है वो कौन था, ये अरिस्टोटल था। नेक्स्ट 91 MCQs है बरतानवी हुक्मरान के दौरान वाहद बरतानवी बादशाह हिंदुस्तान गया था और उसने अपना दरबार मुनकिद किया था। 91 MCQs ऑप्शन जो है वो बी होगा जॉर्ज फाइव। नेक्स्ट 92 MCQs है रामसार कन्वेंशन गीले इलाकों के दानशमंदाना इस्तेमाल के तहफ़ के लिए कौमी अमल और बैन अल-कौमी तआवुन का एक फ्रेमवर्क फराहम करता है। कन्वेंशन का रामसार में 1971 में मंजूर किया गया था जो एक शहर है। 92 MCQs ऑप्शन जो है वो ए है ईरान। नेक्स्ट 93 MCQs फेसबुक सोशल नेटवर्किंग की एक मकबूल तरीन खिदमत है, ये कब शुरू किया गया था। 93 MCQs ऑप्शन डी है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2004 को। नेक्स्ट 94 MCQs मशहूर उर्दू शायर मुस्तफ़ा जैदी पेशे से थे, उनका पेशा क्या था। 94 MCQs ऑप्शन डी है सिविल सर्वेंट थे वो। नेक्स्ट 95 MCQs है आइन के आर्टिकल 257 का तल्लुक खास तौर पर जम्मू और कश्मीर से है। मजमून के मुताबिक जब जम्मू और कश्मीर के लोग इस वक्त पाकिस्तान पहुंच गए। 95 MCQs ऑप्शन जो है वो सी है। नेक्स्ट 96 MCQs है पानीपत के पहली जंग लड़ी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। 96 MCQs ऑप्शन जो है वो बी है बाबर एंड इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट 97 MCQs हिंदुस्तान ने अपने पहले जोहरी आला का तजर्बा किया। 97 MCQs ऑप्शन बी होगा 18 मई 1974 को। नेक्स्ट 98 MCQs है किस मुल्क की फलाह बहबूद के अशारे के तौर पर इंसानी तरक्की का अशार या दिमाग का बचा था। 98 MCQs ऑप्शन जो है वो डी है महबूबुल हक। नेक्स्ट 99 MCQs है जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था साउदर्न रोडेशिया के नाम से भी जाना जाता था, उसको ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 100 MCQs दिल का तेज रफ्तार बनाने वाला काम कौन सा है, इट रेगुलेट्स द हार्ट बीट, ऑप्शन बी है। इंशाल्लाह ताला दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।